दिल से बुलाया केमिस्ट्री पढ़ाने मांसु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त सेंट मेयर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा हेलो एरिन से। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में सेंट मेयर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट मेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग सेंट मेयर रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त, व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड तो क्यूपरस क्लोराइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्त CuCl एंड क्यूपरस ब्रोमाइड तो क्यूपरस ब्रोमाइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया CuBr देन क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड। तो डेफिनेशन बोलता है दोस्त जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन बनता है। इसका एक और डेफिनेशन है दोस्त कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्यूपरस ब्रोमाइड की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमोबेंजीन बनता है।
अब हम लोग दोस्त एग्जांपल देखेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, तो ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन। ये बेंजीन है तो यहां पर बेंजीन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है एन टू ग्रुप, तो टू को डाई बोल दिए और नाइट्रोजन को एजो बोलेंगे, तो यहां पर लिख दिए एजो। अब नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए नियम लिख दिए, तो इतना का नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम। अब यहां पर क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्लोराइड बोलेंगे, यहां पर लिख दिए क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को प्यार से बीडीसी बोलते हैं। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाते हैं और कैटलिस्ट के रूप में क्यूपरस क्लोराइड लेंगे, CuCl का नाम है दोस्त क्यूपरस क्लोराइड। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दो, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। अब देखिए दोस्त, यहां से क्लोरीन ग्रुप भाग गया है और यहां पर से हाइड्रोजन आयन भाग गया। अब नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जब कभी भी दोस्त ट्रिक है हमारा दोस्त फोन कॉल, तो जब कभी फ्लोरीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऑक्सीजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, चाहे नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, चाहे क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये चारों हमारा दोस्त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जब कभी इन चारों के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो यह अनस्टेबल हो जाता है। तो नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यह अनस्टेबल हो गया। तो यह क्या करता है, नाइट्रोजन बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता अपनी तरफ, तो एरो का हेड नाइट्रोजन के पास गया, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल बेंजीन के पास गया, तो बेंजीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में न्यूट्रल हो गया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस बन गया। अब देखिए दोस्त, यहां पर बेंजीन का रिंग था तो यहां पर बेंजीन का रिंग लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर यहां पर बॉन्ड बना लिया, तो क्लोरीन को यूपेक नेम में क्लोरो बोलते हैं। ये हमारा बेंजीन का रिंग है, तो यहां पर बेंजीन लिख दिए और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो यहां लिख दिए दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर क्लोराइड आयन था तो यहां पर क्लोराइड आयन दिखा दिए, यहां पर हाइड्रोजन आयन था तो हाइड्रोजन आयन दिखा दिए। तो अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज, तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन
और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो होने वाला रिएक्शन सेंट मेयर रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है, बोलती है मैं कब से हूं सही रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो बेंजीन का रिंग था, बेंजीन का रिंग लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। क्लोरीन का आइटम था तो क्लोरीन लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरो बेंजीन बन गया। तो क्लोरो को प्यार से सी लिख दिए और बेंजीन को प्यार से बी लिख दिए। अब देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को याद करने का तरीका। तो देखिए दोस्त, बोलता है संडे को बद्री की दुल्हनिया हमारी कॉलोनी से करोड़ों के कार में चाचा की बीबी बनकर लौटी। तो यह हो गया दोस्त सेंट मेयर रिएक्शन को याद करने का ट्रिक। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे। ये हो गया हमारे दोस्त बेंजीन का रिंग। ये हमारा बेंजीन है तो यहां पर लिख दिए बेंजीन। और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ है N2 ग्रुप। तो 2 के लिए डाई लिख दिए। नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं। नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए नियम लिख दिए। क्लोरीन है तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो जब क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको क्लोराइड आयन बोलते हैं। यहां पर लिख दिए क्लोराइड। अब देखिए दोस्त, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को प्यार से BDC बोलते हैं। बी का मतलब बेंजीन और डी का मतलब डाइजोनियम और सी का मतलब क्लोराइड होता है। रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लिया गया है और कैटलिस्ट हमारा क्यूपरस ब्रोमाइड है। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। अब देखिए दोस्त, क्लोराइड आयन जैसे भाग गया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज बचा। तो जब कभी नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज हो तो नाइट्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के मुंडी पर जब कभी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो यह अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो एरो का हेड नाइट्रोजन के पास गया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर
नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जब कभी दोस्त नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों डेवलप कर जाए तो N2 न्यूट्रल हो जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस बना लेता है। अब देखिए दोस्त, एरो का टेल बेंजीन के पास गया तो बेंजीन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, तो बेंजीन का रिंग था तो यहां पर बेंजीन का रिंग लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन का एटम था तो यहां पर ब्रोमीन लिख दिए, तो ब्रोमीन को यूपिक नेम में ब्रोमो बोलते हैं, यहां पर लिख दिए ब्रोमो। और ये हमारा बेंजीन का रिंग है तो यहां पर बेंजीन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया ब्रोमो बेंजीन। तो जब दोस्त बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्यूपरस ब्रोमाइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमो बेंजीन और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो बेंजीन का रिंग था, बेंजीन का रिंग लिख दिए। अब इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। ब्रोमीन का आइटम था तो ब्रोमीन लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह हमारा दोस्त सैंडमेयर रिएक्शन पूरा तरीके से खत्म हुआ। तो काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त चीते की चाल बास की नजर, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।